तस्वीरें इस समय की जम्मू के बठिंडी मोड़ से। यहाँ पर आपको बता दे चले कि दो मेटाडोरें जो है वो रेस लगा रही थी और रेस लगाना इतना महंगा पड़ गया कि ऐसे में एक गाड़ी तो ओवरटेक करके निकल गई, लेकिन ऐसे में एक मेटाडोर जो है वो यहाँ पर पोल के साथ जा टकराती है और ऐसे में एक गाड़ी को अपने चपेट में जो है वो ये पोल जो है वो ले लेता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस मौके पर है और किस तरह से जो है वो गाड़ी का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। लगातार इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो काफी ज्यादा हैरानगी रहती है कि किस तरह से जो है वो ये मेटाडोर वाले सवारियों के चक्कर में जो है वो दूसरों की जान जो है वो खतरे में डालते हैं। तो इसी तरह का एक मामला जम्मू के बठिंडी मोड़ में पेश आया। यहाँ पर दो मेटाडोर जो कि बठिंडी रूट पे यहाँ पर चलती हैं और सवारियों के चक्कर में रेस लगा रही थी और उसके बाद जब ओवरटेक किया तो ऐसे में एक मेटाडोर जो है वो आगे निकल गई, लेकिन दूसरी जो है वो पोल के साथ टकराती है और साथ में खड़ी गाड़ी जो थी वो इस पोल की चपेट में जो है वो आ जाती है। हालांकि गनीमत रही है कि कोई भी किस तरह का जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है, लेकिन लिहाजा ट्रैफिक पुलिस से भी अपील रहेगी कि इस तरह से रेस लगाने वाले जो मेटाडोर चालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि कोई बड़ा हादसा जो है वो देखने को ना मिले। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस आप देख सकते हैं इस समय मौके पर है और बठिंडी मोड़ की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर दो मेटाडोर जो है वो सवारियों के चक्कर में यहाँ पर जो है वो रेस लगा रही थी, लेकिन ऐसे में एक मेटाडोर जो है वो ओवरटेक करके आगे निकल गई और दूसरी जो है पोल के साथ टकरा गई और जिसके नतीजे में पोल गिरने की वजह से जो है वो एक छोटी कार का यहाँ पर नुकसान जो है वो हुआ है। लेकिन गनीमत रही है कि कोई भी किस तरह का नुकसान इसमें जो है फिलहाल जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। तो आप जनता अपनी राय जरूर साझा करें कि इस तरह के जो चालक हैं मेटाडोर चालक हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोगों की जान यानी कि दूसरों की जान जो है वो खतरे में डालकर इस तरह से जो है वो रेस लगाने का काम करते हैं। देखते रहे जम्मू परिवर्तन, जय हिंद भारत।